नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं निशांत कुमार। अभी मैं आया हूं पातेपुर प्रखंड के मतैया गांव, जो चकैया गांव के बीच में जो पड़ता है बरैला झील, मैं वहां पे आया हूं। जैसे कि यहां पे बताया जाता है कि बरैला झील एक पक्षी विहार के नाम से घोषित हुई है, और बहुत मतलब पक्षी विहार का कुछ दिन काम यहां पे चला था। देखिए ये बरैला है, और यहां पे जो कमल का फूल है, मतलब नवरात्रि के समय कमल का फूल माता को चढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत जगह के बहुत बाहर के लोग भी आते हैं घूमने के लिए, जैसे कि आज आए हैं। चलिए उनसे कुछ मुलाकात है। नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार नूतन है। कहाँ से आए हैं? मैं नीलो लुकुंदपुर से आया हूँ। यहाँ पे मतलब घूमने में कैसा लग रहा है आप लोग को बरैला झील? हमारे घर के पास पड़ता है, आज तक कभी आए नहीं। पर्यटन का बहुत इसमें जरूरी है जो इसको विकसित किया जाए। हम लोग के घर के पास है, इसको अगर विकसित किया जाए तो लोकल लोगों का भी उद्धार होगा, यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हम लोग आज आए हैं, पहली बार आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं बरैला की धरती पे, और देखिए कमल का फूल है, देखने को मिल रहा है पहली बार। इतना बढ़िया नज़ारा है कि एकदम शांति मिल रहा है। लेकिन यहाँ सरकार को चाहिए कि इसको विकसित करे, और बर्ड सेंचुरी भी है तो बर्ड के लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए उसका। नेट नहीं चल रहा है सही से। आज हम लोग आए हैं पहली बार, अच्छा लग रहा है घूम के। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कमल का फूल है, जहाँ पर माँ भगवती को बहुत जगह बहुत तरह के बहुत बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और बहुत यहाँ पे आए हैं। मैं उनसे कुछ मुलाकात की, आइए दूसरा मीटिंग करते हैं। नमस्कार सर, कहाँ आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। कहाँ से आए हैं? से। यहाँ पे मतलब घूमने आए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है बरैला जिले में? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अंदर घुसे हुए थे ना? आप कभी यहाँ पे कभी आए हैं? नहीं, पहला बार आए थे। पहली बार आए हैं। पहली बार में आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे बरैला जिले में? अच्छा लग रहा है, सरकार के अति होना चाहिए। सभी आदमी यही बोलते हैं कि पक्षी विहार घोषित था और कुछ दिन यहाँ पे काम चला, और काम क्यों बंद हुआ इसके जवाब तो वैशाली जिला के DM चाहे सरकार ही दे सकते हैं। मेरा आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामवासियों की भी यही कहना है कि यहाँ पे कुछ दिन काम चला, क्यों बंद हुआ इसका जानकारी हम लोग को दो। अब कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्ड मतलब यहाँ पे बत्तख रखने का कुछ कार्य किया गया था, सरकारी बत्तख, वो भी यहाँ पे हटाया गया है, क्यों हटाया गया इसका कुछ जवाब देंगे। और बरैला झील देख सकते हैं, कमल का फूल है, दिखाइए कुछ नज़ारा। और हम यहाँ पे, और हम सौरभ जी आए हैं, देख सकते हैं सौरभ जी, और हम सौरभ जी यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं। मैं कुछ लोगों से ही बात की है, बरैला झील में आया हूँ, आइए कुछ एक आदमी से और बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, कहाँ से हैं? हम पातेपुर से आए हैं। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार, यहाँ बरैला झील में आए हैं, क्या बता सकते हैं आने में कोई कठिनाई हुआ? यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत कठिनाई हुआ, रास्ता वगैरह बहुत खराब है। रास्ता यहाँ पे खराब है, रास्ता खराब की वजह से आप क्या कहना चाहेंगे ग्राम विकास मंत्री? यही बोलना चाहेंगे कि रास्ता को अच्छे से अच्छे बनाए, ठीक है। और इससे पहले आए थे हम इधर, एक मंदिर पड़ता है जीवा जोड़ करके, वहाँ पे गए थे, बहुत अच्छा व्यवस्था, पर यही है जो वहाँ जाने का व्यवस्था नहीं है। बहुत दूर पैदल चलने के बाद उस मंदिर के पास तक गए थे, बहुत अच्छा लगा मंदिर पर। पूर्वजों लोग बोलते हैं जो इस मंदिर के बारे में, बहुत पुराना इतिहास है, बहुत बात सुने इस मंदिर के बारे में। एक बार गए थे देखने, फिर आने का मौका मिला इधर कमल का फूल देखने का, तो फिर आ जाए हैं। लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे भाई बंधु आए हुए थे, उन लोगों से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, यहाँ पे आपको मतलब बरैला झील में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है तो बताइएगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहला बार इतना कमल का फूल देखे हैं, इससे पहले कभी देखे नहीं थे, बस फोन में ही देखते थे कि कमल का फूल होता है, आज पहला बार देखे इतना सारा कमल का फूल, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आइए कुछ एक आदमी से और मुलाकात करता है, करवाते हैं, जो पातेपुर प्रखंड के प्रमुख साहब, मतलब प्रमुख साहब नाम से जाने जाते हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? नीलो रुकनपुर के रहने वाले हैं। जी, यहाँ पे बरैला झील में आप क्यों आए, मतलब क्या आपको पता चला कि हम बरैला झील में घूमने? फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। हम तो बिहार गवर्नमेंट से आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो यहाँ पे जो भी व्यवस्था करके एक पक्षी विहार, जैसे पहले भी सुनने को आया है, जो कुछ काम हुआ था और रुक गया था, टूरिस्ट प्लेस बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है रास्ते का, जैसे डबहैज से आने के बाद बीच में रास्ता खराब है, जिसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, और इसको अगर विकसित किया जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट अच्छे आएंगे, जिससे होगा कि रोजगार की संभावना भी यहाँ बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विधायक लखेंद्र कुमार रोशन जी से मैं यही कहना चाहूँगा, और वैशाली जिला का DM, वो भी एक दिन आए थे यहाँ पे घूमने बरैला में, क्या इनको मतलब लोगों की कठिनाई उनको नहीं दिखाई दे रहा है?
यहाँ पे बहुत लोगों का रोड खराब है, बहुत लोगों का पक्षी का बिहार का मतलब जो मुद्दा उठ रहा है। लखेंद्र पासवान जी को मैं यही बोलना चाहूंगा, पातेपुर विधायक को, कि थोड़ा इन रोड को पहले रास्ता को देखें किस तरह से रास्ता बनाया जाए। देख सकते हैं यही बड़ेला झील है। धन्यवाद।